घमापुर थाना क्षेत्र में कल देर रात उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हुआ जब एक 42 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। युवक पर किए गए चाकुओं के वार इतने घातक थे कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक को रक्तरंजित अवस्था में जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए घमापुर थाना प्रभारी ने कहा कि नवीन शर्मा निवासी काज का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर था, जो कल रात अपने दोस्त के घर गया हुआ था और जब वह अपने घर जाने के लिए निकला तो देखा कि उसके वाहन पर कुछ लोग शराबखोरी कर रहे हैं, जिस पर उसने युवकों को हटाने के लिए कहा तो शराब के नशे में धुत युवक उससे विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बड़ा कि मारपीट तक बात आ गई। इसी बीच शनि नामक युवक ने अपनी जेब में रखा चाइनीज चाकू निकाला और लगातार युवक पर कई बार वार किए। युवक के पेट में चाकू फंसा रह गया और घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हुए। मेरा भाई नवीन शर्मा को कुछ लोगों ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिनके FIR हम लोगों ने करा दी है। आज हम उनकी डेड बॉडी लेने आए हैं, मर्चुरी में है। कोई पुराना विवाद नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं था। लोग दारू पी रहे थे, खड़ों के मना किया तो लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। लगभग 3 से 4 लोग थे। भाई क्या काम था? मेरा भाई गाड़ियों का काम करता है, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसका होलसेलिंग का काम है उसका। मेरा नाम नितिन शर्मा है। ये रात में 1:30 से 1 बजे के बीच की है, 12:30। मैं SI दिनेश साहू थाना घमापुर में पदस्थ हूँ। कल रात 14 तारीख की घटना है। रात करीब 12 बजे के बाद 2-3 बजे के आसपास, 1-2 बजे जितना बजे समय का एग्जैक्ट क्लियर कर देंगे बाद में, तो उस समय कुछ वहाँ बप्पा होटल के आसपास कोई घटना हुई थी अज्ञात लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा। ये नवीन शर्मा मृतक जो मृत हो चुके हैं, नवीन शर्मा को चाकूबाजी के द्वारा चाकू मार दिया था। उसके बाद फिर इसके लिए FIR भी इसके उन अज्ञात लोगों के खिलाफ हो चुकी है FIR, और उसके बाद फिर अभी ये मर्चुरी में यहाँ लेके आए हैं। मैंने पंचायतनामा वगैरह कंप्लीट कार्रवाई की है, उसके बाद PM के लिए हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। क्या सामने आई वैसे लड़ाई? वजह अभी कोई क्लियर नहीं है, ये जांच का विषय है। अभी जांच कंप्लीट होगी, उसके बाद हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे कि क्या कारण था। कितने लोग थे? अभी 3-4 लोगों के आसपास जानकारी मिली है, और जांच करेंगे तो क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कितने लोग थे।